बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने अब जो स्टार्ट करना है, जो हमारा टॉपिक है वो है रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर एंड स्टॉक। इन तीन टर्मिनोलॉजी को हम लोग इस वाले एपिसोड में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रिसिप्ट्स की बात है। रिसिप्ट्स क्या होती है बेटा? रिसिप्ट इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। रिसिप्ट वो पैसा होता है जो आपको या तो मिल चुका है या मिलने वाला है, जो कि आपने असेट को बेच करके या गुड्स को बेच करके या सर्विसेज को प्रोवाइड करके मिला है या मिलने वाला है। यानी कि जो पैसा हमें असेट बेचने से, गुड्स बेचने से या सर्विसेज बेचने से मिल चुका है या मिलने वाला है, उसे हम लोग कहते हैं रिसिप्ट। क्लियर हो गई बात? दो टाइप की होती है रिसिप्ट, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है बच्चों? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट आर रिसिप्ट विच नीदर रिड्यूसेस असेट और क्रिएट लाइबिलिटीज। बच्चों, ये जो रिसिप्ट्स की डेफिनेशन है ना, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन, ये आप लोग पढ़ोगे आगे जा करके, जब आप 12th क्लास में आओगे वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी, और 11th क्लास में भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई थिंक इसका चैप्टर आना चाहिए, वहाँ आप पढ़ोगे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है बच्चों? रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है वो जो ना तो आपकी असेट रिड्यूस करती है और ना ही आपकी लाइबिलिटी बढ़ाती है। अब असेट रिड्यूस करना या लाइबिलिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? देखो, असेट रिसिप्ट कब आती है, रिसिप्ट कब होती है? जब हम कोई चीज बेचते हैं, तो ना तो हम असेट को बेचने से पैसा आ रहा है, ना कोई लाइबिलिटी इनकर कर रहे हैं वहां से कोई पैसा आ रहा है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो ना तो असेट रिड्यूस करती है और ना ही लाइबिलिटीज क्रिएट करती है। और इस चीज को हम लोग और समझेंगे भी डिटेल में आगे। और हमने इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन नॉर्मल नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी हम जो नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस में जो हमें पैसा मिला है या जो पैसा हमें मिलने वाला है, उसे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। जैसे आसान भाषा में, मैं आप लोगों को टीचिंग करता हूँ ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे मेरी इस टीचिंग से जो भी इनकम आ रही है, जो भी पैसा आ रहा है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, उसका नेचर रेवेन्यू होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव। बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं, मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ, तो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जब हमने गुड्स बेचा। ठीक है, मान लीजिए हम लोग एक मार्बल के बिजनेसमैन हैं, हम मार्बल की हमारे पास काम है, तो मैंने मार्बल में जब मैंने वो ब्लॉक्स बेचे ना, पत्थर के जो ब्लॉक्स आते हैं, जब मैंने उसको सेल किया, तो ये मेरा रोज का काम है। क्या इसको, चीज को सेल करने से क्या किस तरीके से मेरी असेट रिड्यूस हुई क्या? नहीं जी, ये कोई असेट रिड्यूस नहीं करता हमारी। ठीक है, और क्या यहाँ मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हुई क्या? नहीं। क्यों लाइबिलिटी क्रिएट हुई? जब हम गुड्स बेच रहे हैं बेटा, याद रखना, गुड्स को बेचना, ये गुड्स, ये आपकी कोई फिक्स असेट नहीं है, ये तो आपका माल है जिसे आपको बेचना ही है। पैसा कमाने के लिए आपको गुड्स तो सेल करना ही है। ये गुड्स बेचना आपकी असेट रिड्यूस नहीं करता है और ना ही आपकी ये कोई लाइबिलिटी बढ़ाता है, लाइबिलिटीज को बढ़ाता है, ये लाइबिलिटीज भी नहीं बढ़ाता है। गुड्स बेचोगे तो उल्टा पैसा आएगा हमारे पास। आप सोचो बच्चों, हमने तो सर गुड्स बेचा, गुड्स हमारी असेट है, तो बेटा जब आप असेट बेचते हो तो आपके पास उसी टाइम पे उतने ही अमाउंट से या तो कैश रिसीव होगा, कैश इंक्रीज होगा, या आपके डेटर्स बढ़ेंगे। डेटर्स बोले तो जिस पर्सन को आपने गुड्स बेचा, वो पर्सन आपको अगर बाद में पैसे देगा तो वो आपका डेटर कहलाएगा और डेटर इंक्रीज होगा इसके बाद। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर अगर हमने गुड्स बेचा तो गुड्स कम हो गया हमारे पास से। बेटा जब गुड्स कम हुआ तो कैश बढ़ा भी तो सही आपके पास, तो इसका मतलब किसी तरीके की कोई असेट रिड्यूस नहीं हुई और ना इसने लाइबिलिटी क्रिएट किया। वैसे दूसरा एग्जाम्पल है एन अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, तो मुझे आप टीचिंग करने से जो भी फीस मिलता है वो मेरा सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में मिलने वाला अमाउंट है, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट आसान भाषा में जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की जो रिसिप्ट होती है, उसे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, ये भी जो मुझे सर्विसेज के बदले में जो पैसा आता है, जैसे मुझे ट्यूशन फी रिसीव होगा, तो बेटा ट्यूशन फी जो मुझे रिसीव होगा, क्या वो मेरे लिए कोई असेट रिड्यूस कर रहा है क्या? आप कहोगे सर नहीं, असेट क्यों रिड्यूस कर रहा है, आप तो अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो। और वैसे ही मैंने क्या, मैंने बोला अगर ये ट्यूशन फीस रिसीव होती तो मेरी कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है क्या? बेटा मेरी लाइबिलिटी तब बढ़ती जब मुझे ट्यूशन फीस एडवांस में रिसीव होती। मैं आपको 1 month पढ़ा रहा हूँ और 1 महीने की आपसे फीस ले रहा हूँ, तो बेटा ये मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ा रहा, बिकॉज ये तो मैंने काम किया, काम के बदले में मिलने वाला इनकम होती है ये। आई बात समझ गए? ऐसे
तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्लियर हो गया क्या होता है। फिर बच्चों आता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट, जो रिसिप्ट का सेकंड वाला टाइप है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है बच्चों? ये रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो या तो आपकी असेट को रिड्यूस करेगा या लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। आपको पता है मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन कहाँ से चुराई, मतलब उसका जो मीनिंग था वो फर्स्ट वाली लाइन थी वो कहाँ से चुराई? मैंने कैपिटल रिसिप्ट वाली लाइन से चुराई। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो या तो आपकी असेट को रिड्यूस करती है, या तो आपकी असेट कम करेगी या आपकी लाइबिलिटी बढ़ाएगी, लाइबिलिटी बढ़ाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो असेट कम करने की बात है ना, यहाँ पे वो असेट कम होगी जो कि फिक्स्ड नेचर की है। ये फिक्स असेट रिड्यूस होती है। तो जब कभी आप कैपिटल रिसिप्ट के बारे में पढ़ोगे ना, तो बेटा कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो आपकी या तो असेट रिड्यूस करेगी या लाइबिलिटी बढ़ाएगी। तो मैंने इसी डेफिनेशन को ईदर और की जगह नीदर और लगा दिया। नीदर और नॉर करना था मुझे, नीदर नॉर। ठीक है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो ना तो असेट रिड्यूस करती है और ना ही लाइबिलिटी क्रिएट करती है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो या तो असेट रिड्यूस करेगी या लाइबिलिटी बढ़ाएगी। तो बेटा मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट। जब हम फिक्स असेट बेचेंगे और वहां से जो हमें पैसा मिल रहा है, फिक्स असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो बेटा ये हमारी असेट रिड्यूस कर रहा है। हाँ, साइमल्टेनियसली हमारे पास इसका कैश आ रहा है बच्चों, लेकिन ये आपकी फिक्स्ड असेट कम कर रहा है। जब कभी कोई चीज आपकी फिक्स्ड असेट कम करता है ना, तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। वो जो अमाउंट आपको मिला है या मिलने वाला है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। वैसे ही जब आपने लिखा अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे हो सकता है आपने प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो सकता है आपने किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो। तो जब आप उस इन्वेस्टमेंट को बेचते हो, तो आपके पास जो पैसा आता है वो भी आपकी असेट को रिड्यूस कर रहा है। इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स असेट को रिड्यूस कर रहा है। आ रही बात समझ में? जो नॉन करंट असेट होती है उसको रिड्यूस करता है, तो ये भी कैपिटल असेट होती है। ये दो एग्जाम्पल हो गए रिड्यूस असेट वाले। और लाइबिलिटी क्रिएट करने का एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेंगे तो हमारे पास कैश है। देखिए मैंने बोला फिर लोन टेकन फ्रॉम बैंक, जो बैंक से आपने लोन लिया है वो आपकी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है। हाँ, आपके पास इसके अकॉर्डिंग कैश आया, बट बेटा कैश नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइबिलिटीज बढ़ाने की। देखो फिक्स्ड असेट का बढ़ना या कम होना, अगर फिक्स असेट आपकी बिजनेस में बढ़ते हैं या फिक्स असेट आपकी बिजनेस से रिड्यूस होते हैं, तो बेटा इससे कैपिटल नेचर का फर्क पड़ता है। समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर आपके फिक्स असेट बड़े हैं तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होगा, जो मैं आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा। और अगर आपने फिक्स असेट आपके बिजनेस से फिक्स असेट कम हुए हैं, तो ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। यानी कि अगर हम कभी कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, तो वहां पे हमेशा फिक्स असेट की बात होगी। फिक्स असेट का बढ़ना या कम होना आएगा और लाइबिलिटीज का बढ़ना या कम होना आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं, तो वहां पे हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट में बच्चों, हम बात करते हैं फिक्स असेट जो होती है, फिक्स असेट, एक सेकेंड, फिक्स असेट जो होती है, हाँ जस्ट अ मिनट, जब हम लोग बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की, तो यहाँ पे फिक्स्ड असेट रिड्यूस होती है या लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है। आपके बिजनेस से अगर फिक्स असेट कम हो या लाइबिलिटी बढ़े, तो उस अमाउंट को कहा जाता है कैपिटल रिसिप्ट। और जस्ट इसका उल्टा, अगर फिक्स असेट आपकी बढ़े या लाइबिलिटी रिड्यूस हो, तो बेटा इसे कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कैपिटल रिसिप्ट की बात। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है बच्चों? कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो या तो आपकी असेट रिड्यूस करता है। असेट कौन सी रिड्यूस करता है बेटा? फिक्स असेट। ऐसे ट्रांजेक्शन जो या तो आपकी फिक्स असेट को रिड्यूस करते हैं या लाइबिलिटी इंक्रीज करते हैं, ये जो कि लाइबिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूँ, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। हमने फिक्स असेट बेचा और वहां से जो पैसा हमें मिला या मिलने वाला है, फिक्स असेट बेचेंगे तो बेटा फिक्स असेट की वैल्यू कम होगी। अगर फिक्स असेट की वैल्यू कम हो रही है तो कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि असेट रिड्यूस कर रही है। वैसे ही अगर हम लोग लिखें अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम, इन्वेस्टमेंट भी एक फिक्स असेट को कम कर रहा है, तो फिक्स असेट की वैल्यू अगर आपकी कम हो रही है तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट आपकी। और वैसे ही अगर हम लोग लें लोन टोकन टेकन फ्रॉम बैंक, ये मेरी लाइबिलिटी क्रिएट करता है। अगर बैंक से आप लोन लोगे,
नो डाउट आपके पास कैश भी आएगा, क्योंकि पैसा भी तो आएगा, बैंक आपको पैसा भी तो देगा, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपको बैंक का लोन पे करना पड़ेगा। तो बेटा कैश फिक्स असेट नहीं है, मैं यहाँ पे फिक्स असेट की बात करता हूँ, तो कैश से मुझे फिलहाल कोई मतलब नहीं है, बट ये लाइबिलिटी बढ़ाता है ये अमाउंट, तो इसीलिए ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, लोन बैंक से जो लिया। बच्चों रिसिप्ट तो हमारे पास ये दो टाइप की होती थी, रेवेन्यू और कैपिटल। अगर नटशेल में डिस्कस करूं, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है बेटा जो हम हमारे बिजनेस में गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करने से मिलने वाला पैसा या गुड्स सेल करने से मिलने वाला पैसा क्या कहलाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। वैसे ही जब हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं तो फिक्स्ड असेट जो रिड्यूस करता है या लाइबिलिटीज बढ़ाने वाले जो ट्रांजेक्शन होते हैं, इन दोनों में से कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो आसान भाषा में गुड्स और सर्विसेज को बेचना रेवेन्यू रिसिप्ट, और असेट को बेचना उसे कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। एक नेक्स्ट हमारा आज का टर्म है एक्सपेंडिचर। हम लोगों ने जो प्रीवियस लेसन देखा था वहां पे एक्सपेंस नाम के टॉपिक को पढ़ा था, एक्सपेंस। तो बेटा एक्सपेंस जो है ना, एक्सपेंस ये इस एक्सपेंडिचर का ही हिस्सा होता है। मैं आपको समझाता हूँ पहले एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है इट इज द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर अक्वायरिंग असेट और गुड्स और सर्विसेज। जो पैसा आपने असेट को खरीदने के लिए या कोई गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए खर्च किया है उसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है। यानी हमारे बिजनेस में आपने असेट खरीदी या गुड्स खरीदा, उसके लिए जो भी पैसा आपने खर्च किया उसे हम लोग एक्सपेंडिचर कहेंगे। एक्सपेंडिचर तीन टाइप के होते हैं, टू टाइप थोड़ा गलत हो गया, अगर थ्री कर देना ना, थ्री टाइप के होते हैं। तीन टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, पहला है रेवेन्यू, दूसरा है कैपिटल, तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू। तो पहले हम लोग वन बाय वन रेवेन्यू और कैपिटल समझते हैं, फिर डेफर्ड रेवेन्यू पे आते हैं। तो पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर करके पढ़ाना चाहूंगा ना। हमने पढ़ा था, अभी आर आर लिख रहा हूं मैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, आर ई मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट हमने किसे कहा था? वो पैसा जो आपने रिसीव किया है गुड्स को बेचने से, गुड्स को सेल किया आपने, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को सेल करने से जो पैसा आया उसे हम लोग कहते थे रेवेन्यू रिसिप्ट। अब मैं कह रहा हूँ गुड्स को खरीदने के लिए जो पैसा आपने खर्च किया, अक्वायरिंग ऑफ गुड्स, ये हमने लिख भी रखा, ये रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कैपिटल लिख दिया गलती से, ये रेवेन्यू वर्ड आएगा ना यार, क्या होता है ना, छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है जब हम पीपीटीज बनाते हैं ना, क्योंकि हम लोग कॉपी पेस्ट कर करते एक चीज को लिख करके फिर सेकंड चीज में कॉपी करते हैं, तो दैट्स वाई थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ये चीजें आप जब अपनी कॉपी में नोट करें ना, तब आप बहुत ध्यान से लिखा करो जो चीज मैं बता रहा हूँ अभी। जैसे ये रेवेन्यू आएगा, तो जब आप कॉपी में नोट करें तो इसे रेवेन्यू लिखें। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट असेट और रिड्यूसेस लाइबिलिटी। पहले तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन वैसे ही लिख दिया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। वहां कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने ईदर और का यूज किया होगा। अब हम लोग यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कह रहे हैं ऐसा खर्चा जिससे ना तो आपकी फिक्स असेट इंक्रीज हुई ना आपकी लाइबिलिटी कम हुई, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट के डेफिनेशन में पता क्या था? रेवेन्यू रिसिप्ट के डेफिनेशन में हम लोगों ने लिखा था रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोस रिसिप्ट विच नीदर रिड्यूसेस असेट या क्रिएट असेट की जगह हम लोगों ने वर्ड यूज किया था रिड्यूस असेट, और क्रिएट लाइबिलिटी हमने यूज किया था, ये जस्ट ऑपोजिट हो जाती है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है बच्चों जो ना तो आपका कोई असेट बढ़ाता है ना आपकी लाइबिलिटी गिराता है। और हमने लिखा है इट इज द अमाउंट स्पेंड हुज बेनिफिट वुड बी कंज्यूम विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये वो पैसा आपने खर्च किया होता है जिसका बेनिफिट आप केवल एक साल के अंदर अंदर क्या कर लेते हो, कंज्यूम कर लेते हो। तो बेटा इसका एग्जाम्पल देखिएगा आप, एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है, एक तो सारे के सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हमने आपको एक्सपेंसेस दो टाइप के पढ़ाया था ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे यहीं पे एग्जाम्पल आते हैं, इसी के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ही एग्जाम्पल होते हैं। और इसके अलावा जैसे इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर कितने तरीके के एग्जाम्पल होते हैं, सैलरी हुआ, रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ। अगर आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो तो बेटा क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि उस बंदे ने आपके पास आकर के काम किया। जब काम के बदले में आप सैलरी दे रहे हो तो ना तो आपकी कोई असेट बढ़ रही है ना आपकी कोई लाइबिलिटी कम हो रही है। ठीक है,
इसीलिए ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जिसका बेनिफिट आप एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर लेते हो। फिर हम दूसरे पे आते हैं जो इसका सेकेंड वाला टॉपिक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो हमने डेफिन इसके मीनिंग में लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट असेट और रिड्यूस लाइबिलिटी। अब ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो या तो आपकी फिक्स असेट को बढ़ाएगा भाई, ठीक है, या आपकी लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा। तो हम लोगों ने जो रेवेन्यू जो कैपिटल रिसिप्ट के लिए पढ़ा था ना, वो जस्ट ऑपोजिट था। जब कैपिटल रिसिप्ट की बात होती है तो फिक्स असेट की वैल्यू कम होना और लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ना आता है। आई बात समझ में? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जो आपकी फिक्स असेट को बढ़ाता है या आपकी लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है, उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिर आगे हमने लिखा, इट इज द अमाउंट स्पेंड टू अक्वायर असेट और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग असेट। यानी ये वो पैसा खर्च किया हुआ होता है जो आपने अपनी असेट को खरीदने के लिए या अपनी असेट को इम्प्रूव करने के लिए पैसा खर्च किया होता है, और वो पैसा जो आपने खर्च किया है उससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की इंक्रीज होती है। जब आप किसी अपनी एग्जिस्टिंग मशीन में को अपग्रेड करते हो तो वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो मैं जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मशीन थी, मैंने उस मशीन में एक नई नया सा पार्ट ऐड करवा दिया जिससे मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया। तो बेटा वो जो नई मशीन के वो उस मशीन के अंदर जो मैंने पार्ट ऐड करवाया ना, उसका जो पैसा खर्च हुआ ना, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा, क्योंकि उससे वो आपकी एक असेट क्रिएट हुई है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है। और आगे लिखा है, बेनिफिट ऑफ सच असेट वुड बी कंज्यूम इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। यानी ये जो आप पैसा खर्च करते हो उसका बेनिफिट आपको कई लंबे समय तक मिलेगा। जैसे कि आपने आज मशीन का एक नया हिस्सा ऐड करवाया तो कम से कम 4-5 साल तक तो चलेगा ऐसा। इसकी एग्जाम्पल, अमाउंट पेड और पेबल फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट। आपने फिक्स असेट खरीदा तो फिक्स असेट खरीदोगे तो असेट क्रिएट हो रही है, ठीक है, इसे हम लोग ये क्रिएटिंग असेट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। वैसे अमाउंट पेड और पेबल फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा ये भी आपकी असेट बढ़ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। फिर हम लोग यहाँ पे हमने सेल सेल लिखा था तो वो हो गया था आपका कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल, यहाँ पे सेल सेल। और अमाउंट पेड और पेबल फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, जो आपने लोन बैंक से लिया है, अब आप उसका जब रीपेमेंट करोगे तो आपकी वो लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहा है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा। आई बात समझ में? तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया पहले। अब अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर तक किसी बच्चे को डाउट हो तो पहले यहाँ तक पूछ लो। फिर बेटा हमने थर्ड वाला टाइप पढ़ा था एक्सपेंडिचर का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही होता है जो कि फिक्टिशियस सेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, वहां हमने लिखा है जो एक्सपेंसेस एक साल से ज्यादा में राइट ऑफ होते हैं उसे हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जाम्पल भी सेम, लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। मैंने इसमें आपको वीवो वाला एग्जाम्पल दिया था कि वीवो मोबाइल जब इंडिया में आया था तो इन्होंने जो T20 मैचेस थे वहां पे स्पॉन्सरशिप जो थे T20 मैचेस को स्पॉन्सर किया था, और 500 करोड़ रुपीज का एडवर्टीजमेंट किया था इन्होंने। अपने वीवो की हाई फाई बॉक्सेस बनवाए थे इन्होंने, हाई फाई बॉक्सेस के नाम से। यानी इसमें जो वीवो के कस्टमर्स थे ना, वो आराम से बैठ करके एक लकी ड्रॉ निकालते थे और आराम से बैठ करके बिल्कुल सेंटर से मैच का आनंद ले सकते थे, ठीक है। तो ये जो पैसा खर्च किया ना, इसका बेनिफिट वीवो को लंबे टाइम तक मिला, क्योंकि वीवो की पहचान काफी टाइम तक चला। मतलब उसका ये बेनिफिट मैंने बताया था आपको, 5 साल के आसपास का इन्होंने ये जो है वो एग्रीमेंट किया था। तो लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिन जो कि एक साल से ज्यादा में राइट ऑफ होते हैं, ठीक है। और एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी होते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी मैं आपको डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है, बस आपको नाम ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, जब कभी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना, उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन से पहले जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं ना, उसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। क्योंकि जब कंपनी रजिस्टर्ड होने से पहले जितने भी तरीके के खर्चे करती है, जो भी लीगल खर्चा होता है कंपनी को रजिस्टर्ड करने का, या किसी और तरीके का कोई एक्सपेंडिचर करती है, तो बेटा कंपनी के रजिस्टर्ड हो जाने के बाद उसका बेनिफिट उसे लंबे समय तक मिलता है। इसीलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। बट ये वर्ड आप मान लीजिए अभी आपके लिए आया ही नहीं है, ये आपके लिए वर्ड आया ही नहीं, आपको सिर्फ लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ही समझना है। बजो अब हम लोग देख रहे हैं स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब बेटा वो चीज होती है जो कि आपने आपके बिजनेस में होल्ड करके रखा है, जिसे आप आगे आने वाले टाइम में बेचोगे। आप अपने गुड्स का स्टॉक करके रखते हो, ठीक है। वो स्टॉक क्यों करके रखते हो? क्योंकि आप उसको इजीली, जब कभी आपके पास गुड्स आपकी शॉप पे खत्म हो जाता है, आप उसे बेच सकते हो। आपके गोडाउन में स्टॉक करके रखते हो आप, ठीक है। तो स्टॉक का मतलब होता है हम रेगुलरली सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो गुड्स अपने पास रखते हैं उसे स्टॉक कहा जाता है। अब स्टॉक देखिए, दो टाइप के एंटरप्राइज है, एक होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन।
ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन उसे कहते हैं जो बना बनाया गुड्स खरीद करके और बेचते हैं, किसी तरीके का कोई प्रोसेसिंग नहीं करते हैं गुड्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन की जितनी भी शॉप है वो सारे के सारे मोबाइल फोन बने बनाए उनके पास आते हैं और वो आगे बेचते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग करना, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रॉ मटेरियल को यूज करके, RM लिख रहा हूँ मैं, रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स बनाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जहाँ पे कॉटन को यूज करके क्लोथ बनाया जाता है। तो बेटा इसने कॉटन का फॉर्मेट पूरा चेंज कर दिया क्लोथ में, इसे हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स बनाती है उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो बेटा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो स्टॉक दो टाइप का होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग, और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टॉक तीन टाइप का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का स्टॉक। मैंने सबके आगे ब्रैकेट में इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, RM, WIP और FG, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे कह सकते हैं, रॉ मटेरियल को RM कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस को WIP कहते हैं, फिनिश गुड्स को FG कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो दो टाइप का स्टॉक होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग, वो क्या होता है। देखिए जी, ओपनिंग स्टॉक बहुत सिंपल सा स्टॉक है, इट इज द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर। जैसे अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, 2000, सर आप कहोगे सर 2020-21 है ये, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2020 से आपके न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं, 31 मार्च 2021 तक चलते हैं। तो 2021 वाला आपका ये होता है करंट ईयर, में CY लिख रहा हूँ मतलब करंट ईयर। तो 2019 और 20 में ये जो हमारा होता है प्रीवियस ईयर, या से आप लास्ट ईयर कह सकते हो, ये प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर के एंड में जो आपके पास स्टॉक बचा है यहाँ पे, यानी इस वाले ईयर के एंड में जो आपके पास स्टॉक बचा है वो नेक्स्ट ईयर के लिए 2020 और 21 के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो मैंने यहाँ ये लिखा, इट इज द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर, जो पिछले साल का स्टॉक नहीं बिका ना, जो हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक होता है अगले साल का, उसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। पिछले साल का जो स्टॉक नहीं बिका वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, ठीक है। वैसे क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2020-21 का ईयर खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2021 जिस दिन आएगी, और मान लो उस दिन मेरे पास मेरे गोडाउन में 10,000 रुपए का स्टॉक पड़ा है, तो 10,000 रुपए का जो स्टॉक है ना वो कहलाएगा मेरा, वो 10,000 रुपए का स्टॉक कहलाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये 10,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक समझ आ गया, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो आपके पास स्टॉक बच गया क्लोजिंग, पिछले साल का जो स्टॉक बच गया इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तीन टाइप का स्टॉक, पहला है रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल मतलब आप समझना कॉटन, जैसे हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन यूज में लेते हैं, कॉटन से थ्रेड बनता है, फिर थ्रेड से क्या बनता है, फिनिश गुड बनता है। तो कॉटन से जो थ्रेड बनता है बच्चों वो हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, और ये हो गया रॉ मटेरियल कॉटन, और जो क्लोथ बन करके रेडी होता है ना उसे हम लोग कहते हैं फिनिश गुड, आपके एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूँ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये वो गुड्स है जो कि अनयूज्ड है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर का जब एंड हो जाता है, जैसे 2020 से 21 तक ये ईयर चलेगा, तो 31 मार्च 2021 जिस दिन आता है उस दिन जो हमारे पास कॉटन का स्टॉक रह गया हमारे गोडाउन में, उसे हम लोग कहेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि अनयूज्ड है, जिसे आपने प्रोसेस करके थ्रेड में कन्वर्ट नहीं किया है अभी तक, ठीक है। और वैसे स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या कहलाता है, इट इज द स्टॉक दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फिनिश, ये वो स्टॉक होता है जो अभी फिनिश गुड्स की तरफ बढ़ने वाला है, मतलब थ्रेड की बात हम कर रहे हैं। अगर आपने कॉटन को कन्वर्ट करके रख दिया है थ्रेड में, ठीक है, और ये थ्रेड जितने रुपए का थ्रेड आपके पास एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पड़ा है, करंट फाइनेंशियल ईयर पड़ा है, उसे हम लोग कहेंगे स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, बिकॉज ये थ्रेड अभी तक फाइनल गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, होने वाला है, हो जाएगा, अगर थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे तो हो जाएगा। और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब होता है गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लेइंग इन गोडाउन, यानी ये वो फिनिश गुड्स का स्टॉक है जो हमारे गोडाउन में पड़ा है, गोडाउन में, अब यहाँ से हम इसे फर्दर सेल करेंगे, ठीक है, प्रोसेस नहीं होगा, ये मार्केट में बिकेगा, इसे कहते हैं स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये हमारा आज का लेसन था बच्चों, जिसमें हम लोगों ने तीन चीजें देखी, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर और स्टॉक। किसी एक बार हम लोग फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं,
रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में। मैं एक साइड लिख रहा हूँ यहाँ पे रिसिप्ट्स और एक साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बच्चों जब हम रिसिप्ट्स की बात करते हैं तो आपके पास सीधी सी बात है पैसा रिसीव होगा, ठीक है, और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो पैसा आपके पास से जाना है, ठीक है। रिसिप्ट्स दो टाइप की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट बेटा वो रिसिप्ट होती है जो आपके बिजनेस की नॉर्मल रिसिप्ट होती है, आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से आपको जो पैसा रिसीव होता है उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है, नंबर एक, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट आप एक ही साल में कंज्यूम करके खत्म कर देते हो, ठीक है। आपको इनकी डेफिनेशन इसी तरीके से थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। जब मैं कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो यहाँ पे असेट और लाइबिलिटी की बात करूंगा मैं। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो आपकी असेट को रिड्यूस करती है, फिक्स असेट को रिड्यूस करती है या लाइबिलिटी को बढ़ाती है। फिक्स असेट को रिड्यूस करना या लाइबिलिटी को बढ़ाना, इससे अगर जो पैसा आ रहा है वो कैपिटल रिसिप्ट। और जस्ट इसका उल्टा, अगर आपका फिक्स असेट इंक्रीज होता है या लाइबिलिटी डिक्रीज होता है, इसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक बार बच्चे आराम से बैठ करके वापस से इस वीडियो को देखना, आपको ये दोनों चीजें इजीली क्लियर हो जाएगी। और इसकी एग्जाम्पल समझोगे ना, आसान भाषा में जो आपके पास गुड्स बेचने से पैसा आया ना, गुड्स बेचने से जो पैसा आया वो रेवेन्यू रिसिप्ट, गुड्स खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है वहां से जो पैसा आया रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर आपने कोई सर्विसेज आपने अवेल की है, किसी कंपनी की सर्विसेज अवेल की है और आपने जो उनको पेमेंट किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने किसी कंपनी से असेट खरीदा तो आपके पास पैसा गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर आपने असेट बेचा तो कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर आप साथ में रखोगे तो शायद क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार फिर से जिन बच्चों को नहीं समझ आया ये वीडियो आराम से देख ले और फिर क्लियर हो जाएगी चीज।